तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और अभी मैं मौजूद हूं अपने प्रयागराज के माघ मेला में। और यह जो रोड देख रहे हैं मेरे पीछे, ये है महावीर मार्ग। ठीक है, महावीर मार्ग से मैं आपको लेकर चलूंगा, संगम तक के नज़ारे दिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा और कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए आपको बैक कैमरे से आपको दिखाना शुरू करते हैं। फिलहाल देखिए यहाँ पर एक चौराहा टाइप का बना हुआ है। ये जो सीधे रास्ता है ये सीधे चला जाएगा बड़े हनुमान मंदिर के पास। ठीक है, तो हम लोग को चलना है संगम। संगम जाने के लिए देखिए ये जो रास्ता ये देख रहे हैं ये सीधे जाएगा संगम के लिए। तो वीडियो में बने रहिएगा। और यहाँ पर देखिए एक बोर्ड भी लगा हुआ है, ये देख रहे हैं संगम जाने का मार्ग, यानी कि ये जो मार्ग है ये जाएगा संगम के लिए। यहाँ पर देखिए एक स्टॉल लगा हुआ है जो कि जलपान एवं भोजनालय, बिना लहसुन प्याज के शुद्ध स्वादिष्ट भोजन मिल जाएगा यहाँ पर। फिलहाल देखिए जितना भी आप देख रहे हैं लोहे का चद्दर वाला जो रोड है इस पर पानी छिड़का गया है, कि यानी कि जो धूल गर्दा है जो गाड़ी चलने की वजह से जो उड़ता है तो वो न उड़े, तो इसके लिए पूरा पानी जो है छिड़का गया है। तो चलिए फिलहाल हम लोग चलते हैं आगे। और इस साइड देखिए टूटो भी जा रहा है, और इस साइड देखिए पूरा तंबू लगा हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और इसी प्रकार देखिए इस साइड भी है। ये देखिए यहाँ पर एक बैरिकेड लगा हुआ है, यानी कि यही जो रास्ता है ये सीधे जाएगा संगम के लिए। देखिए इस साइड देख रहे हैं पुलिस चौकी संगम जोन, यहाँ पर देखिए निगरानी करने के लिए एक बनाया गया है व्यवस्था। ये देख रहे हैं फिलहाल देखा जाए तो इस साइड देखिए स्नान करने का जो जगह बनाया गया वो इस साइड एनडीआरएफ की टीम, पुलिस प्रशासन की टीम आपको नजर आएगा। और सामने जो देख रहे हैं ये है यमुना नदी। आगे देखिए कोहरा न होने की वजह से नैनी पुल नहीं दिख रहा है, नहीं तो नैनी पुल भी यहाँ से दिखता। तो इस साइड से आपका यमुना नदी के लिए चला जाए, मतलब कि यमुना नदी होते हुए आगे अपने काशी के लिए चला जाएगा। और जो गंगा नदी है वो गंगा नदी देखिए उस साइड से आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो कि स्नान कर रही हैं। हालांकि देखा है तो उस साइड वीडियो बनाना मना है, क्योंकि ये देख रहे हैं पुलिस प्रशासन की टीम भी लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये है सीन कुछ इस प्रकार, जो कि बहुत सी देखिए आप देख रहे होंगे, जो कि सामने देख रहे हैं कई सारे चार पहिया वाहन है, जो काफ़ी वीआईपी लोग हैं ये अपने चार पहिया वाहन से आ रहे हैं। और बहुत से लोग हैं जो कि अपना ट्रेन से, बस से या फिर कोई अन्य साधन से। और चारों तरफ देखेंगे तो पुलिस प्रशासन की टीम भी लगी हुई है, यानी कि कोई गंगा नदी में दुर्घटना न घटे उसके लिए एनडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है, कुछ गलत चीज़ें ना हो उसे भी देखा जा रहा है। चारों तरफ देखेंगे तो सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। ये देख रहे हैं लेडीज पुलिस भी हैं और जेंट्स पुलिस भी हैं। और देखेंगे तो वहाँ पर देख रहे हैं जो कि पूरा लाइन जो लगा हुआ है पूरा बोट का। और बहुत से लोग जो कि यहाँ गंगा नदी किनारे स्नान नहीं करना चाहते हैं, वो सोचते हैं जो त्रिवेणी संगम यानी कि आपस में जहाँ पर मिल रहा है, यानी कि यमुना नदी का पानी, सरस्वती और गंगा नदी का, तो बहुत से लोग जो कि वहाँ पर जाकर स्नान करते हैं। और वहाँ के बारे में चार्ज आपको बता दें कि बोट के माध्यम से जाने का यानी कि जो चार्ज है वो है 60 रुपये प्रति व्यक्ति, और वहाँ पर उतर के नहाने का वो जो चार्ज है वो है 20 रुपये। ये देख रहे हैं सामने आप देख रहे होंगे जो कि एक फ्लोटिंग जेटी बनाया गया है, यानी कि उसी के अंदर आपको स्नान करना है। और आपको जो नाव जो मिलेगा गंगा नदी जाने के लिए, यानी कि त्रिवेणी संगम जाने के लिए, वो इस साइड से मिल जाएगा। देख रहे होंगे जो कि एक कतार में खड़ा है। तो चलिए लेकर चलते हैं आगे भी। इस साइड देख रहे हैं ये डस्टबिन बनाया गया है।
फिलहाल दोस्तों देख रहे होंगे जो कि गंगा नदी के किनारे में आ चुका हूँ। इस साइड देख रहे होंगे अगर गंगा जल आपको लेना है तो एक लाइन से देख रहे हैं, ये पूरा जितने भी आप गैलन देख रहे हैं पूरा बिकते हुए आपको नजर आ रहा होगा। और इस साइड ये जो देख रहे हैं ये देख रहे हैं गंगा नदी होते हुए, और उस साइड से बात किया जाए तो वो देख रहे हैं वो है आपका यमुना नदी। सरस्वती नदी जो है वो है अंतर्वाहिनी, यानी कि जो अंदर से बहती है। और यही देखिए त्रिवेणी संगम है, यहाँ पर बहुत से लोग जो कि स्नान कर रहे हैं, और पुलिस प्रशासन की टीम NDRF की टीम चारों तरफ लगी हुई है। ये देख रहे हैं घूमते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, और फ्लोटिंग जेटी पे भी कुछ लोग हैं जो कि नज़र आ रहे होंगे, कुछ लेडीज कर्मचारी भी हैं पुलिस विभाग की, वो भी लगी हुई हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर पर नए हैं उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।